हाय फ्रेंड्स, इस बार आपके सामने पीएस राठौर आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों आपकी जिंदगी में मेरा योद्धा प्रोग्राम करना जरूरी है। ये योद्धा बनना क्यों जरूरी है? हम अपने 3 घंटे के योद्धा वर्कशॉप में आपको योद्धा बना देंगे, फाइटर बना देंगे, वॉरियर बना देंगे। जब घाव सीने पे जब लगता है और जब लगेगा, वो घाव घाव नहीं होगा, वो घाव आपका आभूषण होगा। दर्द को गहनों में कैसे पिरोया जाए, दर्द को जिंदगी को बनाने के लिए यूज कैसे किया जाए, हम योद्धा प्रोग्राम में आपके अंदर डाल देंगे। वो कहते हैं ना, जब दर्द ना हो सीने में तो क्या खाक मजा जीने में। दोस्तों, डायलॉग से मोटिवेशन नहीं होता। अगर डायलॉग से ही मोटिवेशन होना होता तो सुबह 4 बजे टीवी चैनल लगाए। दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी से, दर्द भरी कहानियों से भी मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन इनसाइड आउट जर्नी है, ये आपके अंदर है। कोई चाहिए जो बताए कि ये है कहां पे। हम अपने योद्धा प्रोग्राम में, द फाइटर प्रोग्राम में, हम आपको बताएंगे कि जिंदगी में किस दर्द को जिंदा रखना है और किस दर्द को खत्म कर देना है, और हम खत्म करेंगे। पूरे 3 घंटे के प्रोग्राम में सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम आपके सपनों को क्लियर करें, आपके गोल को क्लियर करें, आपको जिंदगी से क्या चाहिए यह क्लियर करें। क्योंकि जिस दिन यह क्लियर हो जाएगा कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए, सामने पर्वत भी आ जाए तो आप उसको उखाड़ फेंकेंगे, आप थम जाएंगे, आप रुक जाएंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। आप एक सफल प्रयास करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जो बात कह गए हैं, सेनानी करो प्रयास भय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अम्मा के बूझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। सेनानी, बिना डर का प्रयास करो, कल का इतिहास तुम्हारा है। आज जो टिमटिमा रहे हैं आकाश में तारों की तहत, कल वो बुझेंगे, आकाश बिल्कुल खाली होगा। और आज तैयारी करो ताकि उस आकाश में पहुंचने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। सेनानी करो प्रयास भय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अम्मा के बूझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। और इस मिशन आपको काम करना है। अपनी कमियों पे मत देखो, अपनी दुर्गति मत देखो, अपनी बेइज्जती पे मत देखो, किसने कितनी इंसल्ट करी मत देखो, हर इंसल्ट ने कितनी ताकत दिया ये देखो। यही तुम्हारी खूबी है, यही एक योद्धा की रीति है। राणा संगा का हाथ कट गया, आंख लग गए, फिर भी लड़ रहे थे, तभी तो हम राणा संगा को याद करते हैं। जिंदगी हमेशा दो रास्ते देती है, एक आसान जिसमें सुखियों की चीज होते हैं, एक डिफिकल्ट जिसमें खुद को खुद से लड़ने की हिम्मत होती है। और यही एक योद्धा का फितरत है, यही एक योद्धा का सौभाग्य है, और यही से योद्धा अपनी इतिहास लिखता है। दोस्तों, और आपकी दुर्गति इतिहास लिखने के लिए हुई है, इतिहास बनाने के लिए हुई है, इतिहास बनते हुए देखने के लिए नहीं। मैं अपने योद्धा प्रोग्राम में सबसे पहले यह प्रयास करने के तरीके को दूंगा कि यह तरीका कैसे आए। यू नो, यू मस्ट नो द वे टू हैंडल योर इमोशंस, यू मस्ट नो योर वे टू हैंडल योर इमोशनल हर्ट, यू मस्ट नो द वे हाउ टू हैंडल रिजेक्शंस। एंड लुक हु इज गोइंग टू शेयर विथ यू हु हैज मेड हिज लाइफ लाइक दैट। सो इन दिस 3 आवर्स,
सबसे पहले हम आपके गोल को सेट करेंगे। जिंदगी से क्या चाहिए, क्या चाहिए इस जिंदगी से, यह सेट करेंगे। उसके बाद हम उसको सेट करने के तुरंत बाद हम आपके पूरे टाइमलाइन को ठीक करेंगे। 5 ईयर्स है आज तक, जितनी भी आपके साथ कुछ अन्याय हुआ हो, इमोशनल हर्ट हुआ हो, जो आपके शरीर पे बैगेज है, जो आपको होल्ड करता है, जो आपको रोकता है, हम उसको निकाल के बाहर कर देंगे। वो भय, वो फियर जो आपके शरीर में बसा हुआ है कि क्या गारंटी है कि इस बार पढ़ने के बाद भी पास हो जाऊंगा, बिल्कुल गारंटी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही पे डाउट करते हैं। यू ट्रस्ट योर डाउट। योद्धा प्रोग्राम में हम आपके डाउट को खत्म कर देंगे। टाइमलाइन में आपको खुद को माफ करने की गति सिखाएंगे, रीति सिखाएंगे, नीति सिखाएंगे, क्योंकि आपको अपने आप को फॉरगिव करना ही होगा। तो अपने प्रोग्राम में हम जो आपके टाइमलाइन को ठीक करेंगे, वो आपके टाइम को ठीक कर देगा, आपके वक्त को ठीक कर देगा। कोई तो चाहिए जो बाहर हट के बात करे। 3 घंटे के उस शो में जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के धरोहर हैं, आप ही भविष्य हैं, आपसे उसके लिए पैसे नहीं लेने हैं। वो पैसे हम कॉरपोरेट से ले लेते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी तरफ से कर्ज उतारना है अपने देश का, और खास करके उस प्रोफेशन का, द वर्ल्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी एंड यंग जनरेशंस। यू आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। आपके पूरे टाइमलाइन को हम ठीक कर देंगे, और उस टाइमलाइन थेरेपी में जितनी इमोशनल हर्ट है, बैड फीलिंग है, निगेटिव एटीट्यूड है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, लोगों पर ट्रस्ट नहीं है, बहुत सारी जो जिंदगी की प्रॉब्लम्स हैं, उसको खत्म कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। उस दिन जब हॉल से बाहर निकलेंगे, तो आप खुद में खुद को पाएंगे। आपकी खोई हुई विश्वास, खोई हुई विश्वास आपकी कंधों पे होगा। हाँ, ये कितना दिन तक रहेगा, ये आप पे डिपेंड है। जिंदगी आपकी है जी, मेरी थोड़ी है। एंड व्हाई डू यू एक्सपेक्ट मी कि जिंदगी भर के लिए आपको बदल दूं? क्यों, जिंदगी आपकी है भाई, आप खुद करोगे। इस योद्धा प्रोग्राम में मैं सर्कल ऑफ एक्सलेंस के तहत जिंदगी के उस पल को, उस जगह को इतना स्ट्रांग बना दूंगा जहां पे सपने में भी आपसे गलती नहीं होगा। एक ऐसी जगह जहां आप सब कुछ से परे होगे, जहां हर वो चीज निगेटिव करते हो, उस जगह पे नहीं कर पाओगे। एक जगह को एक्सीलेंट कर दूंगा, उसको सर्कल कर दूंगा, और उसके जगह पे आपको भेजूंगा और आपको रखूंगा। आप जैसे उस स्टेट में जाएंगे, उस फिजियोलॉजी में जाएंगे, आप में स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ होगा, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी दिखेगा, ना आप में वीकनेस होगा, ना थ्रेट का डर होगा। योद्धा प्रोग्राम में जब मैं सर्कल ऑफ एक्सीलेंस की बात करूंगा, तो आप देखेंगे कि आप में वो क्या चीज है, आप उसको एक्सीलेंट कैसे बना सकते हैं। लेकिन बाबागिरी नहीं होगा, भाषण नहीं होगा। अगर आप चुपचाप सुनने के लिए आ रहे हैं तो ना आइए। इसमें आपको कैजुअल ड्रेस में आना है, स्ट्रीट स्मार्ट में आना है, आपको जंप करना है, आपको डांस करना है, अपने शरीर की जितनी भी चीजें हैं उसको निकाल के जाना है। एक स्ट्रेस फ्री इवनिंग की बातें करनी है, और उस स्ट्रेस फ्री की बातें हम करके आगे निकलेंगे। हां, ये प्रोग्राम मैं इसलिए भी करता हूं ताकि मुझे लगता है कि इस देश का कर्ज है मेरे कंधे पे, और अगर प्रभु ने मुझे शक्ति दी है कि मैं अपनी बातों को दिल से कम्युनिकेट कर सकूं, तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहां मैं पैसे की बात ना करूं, मैं सौदा ना करूं और सौदागर ना बनूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सौदागर नहीं हूं, मैं तो ये मानता हूं कि मैं सपनों का सौदागर हूं। लेकिन यहां पे ये सपनों का सौदागर आपके साथ
पैसे के लिए सौदा नहीं करेगा। आपकी खुशी, आपकी उन्नति ही मेरी मेहनत का फल होगा। अगर इस सौदागर से बात करना चाहते हैं तो योद्धा प्रोग्राम में आइए, अपने आप को योद्धा बनाइए, अपने आप को वॉरियर बनाइए, अपने आप को एक महान शक्ति बनाइए। मैं आपके साथ हूं और मेरे योद्धा प्रोग्राम को मिस नहीं कीजिए। अगर चाहते हैं खुद को पहचानना, अगर चाहते हैं डिप्रेशन में रहना, एंजाइटी में रहना, फ्रस्ट्रेशन में रहना, अपनी गलतियों को रिपीट करना, तो मेरे प्रोग्राम में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो नाच, वो गाना, वो शीशे, वो आग, वो सारी चीजें की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं अपनी जिंदगी को बदल करके एक योद्धा बन जाना, एक फाइटर बन जाना, एक महाराणा प्रताप की तरह जख्मों को लेके आगे चलना, सिकंदर की तरह रणनीति बनाना और किसी भी अवस्था में खुद पे विश्वास रखना और यह समझना कि खुद पे विश्वास करना किसी और पे विश्वास करने से कई 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 गुना ज्यादा है। सो यू वॉन्ट टू ट्रस्ट योरसेल्फ, कम टू अस, ज्वाइन योद्धा। Thank you very much. Your P.S. Rathore. Love you all. Thank you.